सच गल फिल्मी बाइट्स देख रहे हो तुसी ते 18 अगस्त नूं जूनियर रिलीज़ हो रही है। सो जूनियर दे टीज़र अते ट्रेलर ने बड़ा वाइब बनाई हुई है क्योंकि जितने भी देखो रिव्यूज़ बहुत चंगे मिल रहे हैं। सो साडे नाल स्टार कास्ट सृष्टि जैन हो रही मौजूद ने, उन्हां गलबात करेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट गेटिंग दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे मैनेजर का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे, और तभी वेब सीरीज़ होनी थी लाइक कि उनको देर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू नो इफ यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने इनसे ब्रीफ मंगवाया, वो सब स्टोरी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई वाज इंटरेस्टेड। उसके बाद सीधा फोन आया कि दे वांट टू मीट यू, और मैं लंदन फ्लाई कर रही थी कुछ 2-3 दिन बाद फॉर अ प्रोजेक्ट। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बीच में 1-2 दिन का आप निकाल के आ पाओ, पहले आपके जाने से पहले मिल लेते हैं तो फाइनलाइज कर लेंगे सब कुछ। ये मैं अम्मी को पहले भी बोला, हमेशा बोलती हूँ, अभी भी जैसे वहाँ पे मैंने इतने सारे शोज कर लिए और सबने मेरा काम देखा हुआ है, पर फिर भी अभी भी कोई भी नया वो होता है, भले ही दे वॉन्ट टू कास्ट मी बट दे विल ऑलवेज आस्क फॉर ऑडिशन, क्योंकि आप वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर में बैठोगे कि नहीं। ऑब्वियसली नज़र तो थी, पंजाब इतना अच्छा कर रहा था और हमारे टीवी से भी इतने लोग जाकर इतना नाम कमा रहे थे, तो ऑब्वियसली चाहती थी कि करूँ, बस ये नहीं पता था कि वहाँ से कोई अप्रोच करेगा और ऐसी फिल्म के लिए करेगा। प्रिडिक्शन थी बारिश की, बारिश हुई नहीं। फिर हम लोगों ने खूब सारे टैंकर्स मंगवाए, आर्टिफिशियली बारिश क्रिएट की, तो एक वो भी रहता है कि आर्टिफिशियल बारिश असली लगनी चाहिए। सेटअप सारा जो लगाना था करना था वो किया, उसके बाद वहाँ पर इतना इतना पानी भर गया था नीचे। कोई भी स्क्रिप्ट जो अच्छी हो, इट डजंट मैटर कि बाकी कौन से जॉनर की है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है मेरा रोल अच्छा है। पर अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरा सबसे ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जूनियर 2, बिकॉज उसकी हमारे पास स्टोरी काफ़ी हद तक रेडी है। अमीर भी बहुत श्योर हैं कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं। सीन के पहले आप बैठो, डिस्कस करो कैसे क्या करना है, आपको रिहर्सल्स का उतना टाइम मिलता है, यू गेट टू क्रिएटिवली बी मोर फ्री। वो मुझे आई थिंक आई रियली इन्जॉय द पंजाब में। आई एम नॉट सेइंग कि पंजाब यहाँ पे लोग प्रोफेशनल नहीं है, टीम सारी बहुत प्रोफेशनल थी, मैं थिंक प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक अपना पंजाब था। सच गल फिल्मी बाइट्स देख रहे हो तुसी ते 18 अगस्त नूं जूनियर रिलीज़ हो रही है। सो जूनियर दे टीज़र अते ट्रेलर ने बड़ा वाइब बनाई हुई है क्योंकि जितने भी देखो रिव्यूज़ बहुत चंगे मिल रहे हैं। सो साडे नाल स्टार कास्ट सृष्टि जैन हो रही मौजूद ने, उन्हां गलबात करेंगे। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, ठीक ठाक हो? बड़ा खुश लग रहे हो, की गल? फिल्म रिलीज़ हो रही है, खुशी क्यों नहीं होगी? नहीं, मिला था प्रोड्यूसर में चंगी पेमेंट मिली लग रही है, ज़्यादा कुछ तेज करके हो ना? पेमेंट से ज़्यादा आई थिंक एक इज्जत, अपनापन और प्यार ज़्यादा मिला है। सो पंजाबी इंडस्ट्रीज डेब्यू करना चाह रहे हो, एक पंजाबी फिल्म कि मेरा सारा एक्सपीरियंस थे कि हम साथ ना शेयर करना चाहोगे वाकई भी? एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक एक तो इससे बेटर डेब्यू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, वो आई थिंक सबसे बड़ा एक हाईलाइट रहा है पूरे एक्सपीरियंस का। बाकी आई थिंक एक एज एन एक्टर तो इतने साल काम किया ही है, लेकिन जो बिहाइंड द कैमराज का प्रोसेस होता है उसमें बहुत इन्वॉल्व कभी नहीं हो पाई। इस बार हुई हूँ तो इस बार आई हैव रियलाइज कि फिल्म मेकिंग कितनी डिफिकल्ट है, और एक बार आप जब शूट कर लेते हो उसके पहले और उसके बाद कितना और काम है। आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मोर रिस्पेक्ट फॉर प्रोड्यूसर्स। टेक्नीशियंस का तो काम सेट पे आपको पता ही होता है, लेकिन जो बाकी टेक्नीशियंस जो प्रोजेक्ट बनने के बाद काम करते हैं, और जब आप कोई चीज़ शूट करते हो उसमें साउंड इफेक्ट से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर उसकी परफेक्ट एडिटिंग से लेकर हर चीज़, उसका DI से लेकर हर चीज़ का कितना बड़ा हाथ होता है उस प्रोडक्ट को गुड से ग्रेट बनाने में। एंड आई वाज जस्ट लकी कि अमीक ने, यूजुअली प्रोड्यूसर्स ना एक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते पीछे की चीज़ों में, बट आई वाज जस्ट लकी कि अमीक ने मुझे इतने ओपन आर्म से वेलकम किया उस पूरे प्रोसेस में, कि बिफोर शूटिंग ऑल्सो, क्योंकि जब मैंने मुझे कास्ट किया था इन्होंने तब इनका कॉन्सेप्ट रेडी था, बस वो फिर भी और डेवलप कर रहे थे और डिस्कशंस चलते थे, बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी, एंड उन्होंने मुझे उस प्रोसेस में पूरा इन्वॉल्व किया। मैं अपने कैरेक्टर को उनके साथ डेवलप कर पाई, मैं जो बाकी चीज़ें स्क्रिप्ट में थी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दे पाई, तो मैंने बहुत करीबी से पूरा प्रोसेस देखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू शूटिंग टिल आफ्टर दैट। तो वो एक मेरे लिए नई जर्नी और नई लर्निंग रही, और मैं बहुत आई एम ग्लैड कि अपने डेब्यू में ये कर पाई, बिकॉज बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि अपने डेब्यू में वो इतना सब इन्वॉल्व हो पाए इतने सारे प्रोसेस में, वरना शायद मेरे लिए 2 साल का नहीं, शायद कुछ महीनों का सफ़र होता। बट आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं इतने लंबे टाइम इस प्रोजेक्ट से जुड़ के। जे देखा जाए इस फिल्म के लिए कोई खास अप्रोच एमिक विर्क ने तुम्हें की, या फिर तुमने कोई ऑडिशंस वगैरह इन्होंने सेंड की? ये मैं अम्मी को पहले भी बोला, हमेशा बोलती हूँ, अभी भी जैसे वहाँ पे मैंने इतने सारे शोज़ कर लिए और
और सबने मेरा काम देखा हुआ है, पर फिर भी अभी भी कोई भी नया वो होता है, भले ही दे वांट टू कास्ट मी बट दे विल ऑलवेज आस्क फॉर ऑडिशन, क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप उस कैरेक्टर में बैठोगे कि नहीं। हम लोग अपने विद इन एक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि यार सारे फ्लेवर्स हमारे देखे हुए हैं, एक शो में कोई इमोशन मिस नहीं होता, सारा तो आप दिखा देते हो। हर बार ऑडिशन मांगते हैं, हर बार उतने ही राउंड्स होते हैं, ठीक है वो उनका अपना प्रोसेस है। द बेस्ट पार्ट अबाउट गेटिंग दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे मैनेजर का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे, और तभी वेब सीरीज होनी थी लाइक कि उनको देर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू नो इफ यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने इनसे ब्रीफ मंगवाया, वो सब स्टोरी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई वाज इंटरेस्टेड। उसके बाद सीधा फ़ोन आया कि दे वांट टू मीट यू, और मैं लंदन फ्लाई कर रही थी कुछ दो तीन दिन बाद फॉर अ प्रोजेक्ट, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बीच में एक दो दिन का निकाल के आप आओ, पहले आपके जाने से पहले मिल लेते हैं तो फाइनलाइज कर लेंगे सब कुछ। ऑडिशन मांगा ही नहीं, तो मैंने बाद में मीक से पूछा, मैंने कहा यू वांट एन ऑडिशन, लेना नहीं है कुछ, मेरे को लगा शायद बुला के ऑडिशन लेंगे सामने, मैंने नहीं, मैंने कहा मरना एटलीस्ट पंजाबी बोलते कि कोशिश करो, स्क्रिप्ट भेजते कि ट्राई एंड स्पीक, कुछ नहीं। ही वाज लाइक आपका प्रोफाइल देखा, आपका काम देखा, वी नो वी सॉ दैट यू आर अ गुड एक्टर, एंड पंजाबी की तो टेंशन ही नहीं है, इफ यू आर अ गुड एक्टर वी नो कि वो भी मैनेज कर ही लोगे। सो आई थिंक उनको पहले ये था कि डबिंग किसी और से करवा लेंगे अगर उन्होंने एटलीस्ट लिप सिंक कर ली, बट तब तक इतना सीख लिया, तो मेरी ये शर्त थी कि डबिंग तो मैं ही करूँगी इसकी, कोई और नहीं करेगी। हाँ डबिंग मैंने ही की है, जो आवाज़ आप फिल्में सुनोगे मेरी ही है। तो हम तुसी हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स कर रहे हो, तो कल पंजाबी बोलो यार। हिंदी अभी मैंने काम, पंजाबी तो अभी मैंने मिक्स की नहीं, सिर्फ पंजाबी शब्द यूज किया है मैंने, आंदी है चंगी तरह नहीं आंदी, जब मैं बोलना सीख जावांगी तब मैं थोड़े नाल पंजाबी च गल करा, बोलना सीख जावांगी तब मैं थोड़े नाल बोलांगी। क्या सही क्या है, जब मैं बोलना सीख जावांगी तब मैं थोड़े नाल पंजाबी च गल करांगी जां करूंगी। क्या बात, अच्छा मैं ना हरमंडल भाई और गलबात कर रहा था, मैंने कहा जो थोड़ा पहला गाना सी ना भी किदा सारा सी एक्सपीरियंस करना, उन्होंने बंदे ने मैंने पहली बार प्रोड्यूसर ने यह किया कि यार कर लूगा भी न्याणा जहा जवाक जहाँ लगता कर लूगा, तो तुम्हें पंजाबी भी नहीं आती, किसी वालों ये तो नहीं होया कि यार कुछ पंजाबी भी नहीं आती भी कर भी लूगी, अच्छा होया कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ किसी ने अमीक से पूछा था कि ये एक तो ये भी था कि टीवी से आई है पंजाबी नहीं आती, कर ली दैट वाज राइट बिफोर एक सीन जहाँ पे मेरा पूरा एक मोनोलॉग है जहाँ पूरे सीन में मैं बोल रही हूँ और सारी पंजाबी बोल रही हूँ एक साथ, और इमोशनल सीन था, तो इमोशनल सीन में टेक भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ऑथेंटिसिटी चली जाती है, मैकेनिकल लगने लग जाता है, तो पूछा था। बट आई थिंक अमीक, आई हैव टू से दिस, ही हैड सो मच फेथ इन मी, उनको उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया, जो फेथ दिखाया उसके लिए मुझे आई थिंक और उस वजह से और मेहनत और लगन से मैं परफॉर्म कर पाई, तो बोला ज़रूर था, बट आई थिंक जब वो सीन ख़त्म हुआ तो उनका वो थॉट भी ख़त्म हो चुका था। अच्छा नसीबा सॉन्ग सुने सब ने, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है, तो बड़ा घैंट सॉन्ग है, अपनी हाई पिक बनती जा रही है, अलग वाइब शुरू हो रही है, क्योंकि देखा जाए एक दिन 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। ओ रियली? हाँ जी, 0.6 मिलियन तक हो गए। Really? How great! Oh wow! बहुत चंगे दिया भाई। वो सॉन्ग दे विच देखे ना सारे आर्टिस्टां दी जो वक्वकरे वेरिएशन है या फिर एक्सप्रेशंस वगैरह ने, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, तुम्हें कोई आया उत्थे प्रॉब्लम? बहुत, वो आई थिंक वो एक ऐसा सीक्वेंस है जो मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। एक तो उस दिन हमें प्रिडिक्शन थी बारिश की, बारिश हुई नहीं, फिर हम लोगों ने खूब सारे टैंकर्स मंगवाए, आर्टिफिशियली बारिश क्रिएट की, तो एक वो भी रहता है कि आर्टिफिशियल बारिश असली लगनी चाहिए, सेटअप सारा यू नो जो लगाना था करना था वो किया, उसके बाद वहाँ पर इतना इतना पानी भर गया था नीचे, और उसमें ये फूल सी बच्ची वो लेटी हुई थी यू नो उस स्टेट में, पूरी बंधी हुई कपड़े में, एंड एक तो पीहू के साथ बहुत प्यार है मेरा अमीक दोनों का डे वन से, तो एक तो उसको वैसे देखना वाज एनीवे वेरी डिफिकल्ट। उस दिन मुझे 102 आई थिंक बुखार था, और मैंने फीवर में तो बहुत परफॉर्म किया, टीवी में तो आपका ऑप्शन ही नहीं होता, तो आई वाज नॉट कंसर्न, बट आई थिंक जब अमीक को पता लगा था आई एम नॉट वेल, तो उनकी कंसर्न थी कि कैंसिल कर देते बाद में कर लेंगे आराम से क्योंकि इंटेंस सीन है। आई वाज लाइक नहीं, मतलब ये आज जो इतना सब हो गया, इतने पैसे खर्च गए, आई डोंट वांट कि आपका नुकसान हो या कुछ भी, कर लेते हैं आज, मैंने भी मन बनाया हुआ है। और फिर आई फील लाइक जब आपको पता है ना कि आपके अंदर इतनी सी कोई कमी है, आप और अपना और ज़रूरत से ज़्यादा और हिम्मत से ज़्यादा देते हो उस सीन को, एंड आई थिंक दैट एडेड टू इट, और जो एक नेचुरल वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है जो आपके बहुत क्लोज हैं,
वैसे ही आपका शरीर दिमाग सब काम करना बंद कर देता है. तो आई फील लाइक वो एक प्लस पॉइंट था कि मैं वैसे ही बीमार थी, वैसे ही ऐसा फील कर रही थी, और उसके साथ एक तो पूरे दिन बारिश में भीगना था, और उसके साथ वो एक तो जो बॉडी की टूटी हुई स्टेट थी वो वैसे ही नेचुरली आ गई, और उसके साथ जो परफॉर्म किया और अच्छे से हो गया, प्लस इमोशनली टैक्सिंग तो वो था ही. आई मीन कोई भी अपने आप को एक रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में कभी इमेजिन नहीं करना चाहेगा, और अनफॉर्चुनेटली एज एन एक्टर आपको करना पड़ता है, आपको उस डेप्थ तक जाना पड़ता है. उसके साथ साथ फिजिकली भी जो आप सीन है, जब मैं और अमीक हग कर रहे हैं दूसरे को, उसको इतने लोगों ने पकड़ा हुआ है, मुझे दो तीन लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसकी वो हथकड़ियाँ हाथ में, वो भी कितनी बार लगी, बाल में अटकी, सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो गीले भी थे तो बहुत भी, कोई सर्वर पे लगी, सब हुआ, अमीक भी गिरे भी हम दोनों कई बार, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, सब था, और वो छोटी भी, उसको जब हमने जब एक दो बार जब काटा उसको, उसने देखा शिवरिंग, और उसको बाद में उसने शिप्यूक्ट ऑल्सो, उसको अनवेल लग, उसको भी अनवेल लग रहा था. तो अमी को लाइक यार एक तो तुम बीमार हो, वो बीमार है, इस कॉस्ट पे हम सीन शूट करें, लेकिन आई थिंक वो सारी चीज़ें मिलकर ही आप जो अभी कह रहे हैं कि वो सॉन्ग, हाँ वो बार बार ऑब्वियसली टेंशन तो रहती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेट पे. तो मैं भी जब उसके बगल में बैठी हुई थी, ग्लास से उससे बात किए जा रही थी कि तुम ठीक हो, कुछ चाहिए, हाउ उसके, एंड आई हैव टू से दिस, एक तो पीहू वाज सो प्रोफेशनल, इतनी सी बच्ची, और उसने एक चू नहीं की, और उसको पता था कि जब कैमरा रोल हो रहा है हिलना नहीं है, और वो हिली नहीं, चाहे कितना भी पानी आया, कीड़े जो भी था, शी मैनेज्ड एवरीथिंग एंड शी डिड दैट. हैट्स ऑफ टू दैट लिटिल चाइल्ड एंड हैट्स ऑफ टू हर पेरेंट्स, क्योंकि एक माँ बाप के लिए ऐसा सीन अपने बच्चे के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है. उन दोनों ने भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इतना सपोर्ट दिखाया है, उन्होंने सेट पे मतलब वो लोग एक कोने में होते थे, पीहू को वो हमारे पास छोड़ ही देते थे, अभी भी अगर वो जब आई हुई थी वो हमारे साथ ही अंदर थी, शी वाज मोस्टली यू नो विद अस. आई थिंक वो हम सबका एक जो सबकी एक शिद्दत थी उस सीन को परफॉर्म करने की, और वो सीन सबसे इम्पॉर्टेंट है फिल्म के लिए, क्योंकि उस सीन से जस्टिफिकेशन आता है जो बाद में अमी का कैरेक्टर जूनियर जो बाद में सब कुछ करता है. जितना भी आप एक्शन देखोगे, जो वो इतने सारे लोगों को रौंदते हुए आगे जाता है लास्ट तक, वो जस्टिफिकेशन वहीं से आती है. तो वो सीन वी ऑल न्यू वाज द मेन सीन ऑफ द फिल्म, तो वी हैड टू डू आवर बेस्ट. अच्छा सृष्टि, गल की थी जूनियर तुसी पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू करो, इस तो पहला तुसने कोई मन सोचा कि मैं यार पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना, जा कोई फिल्म ऑफर हुई हो, जब वेब सीरीज ऑफर हुई हो? ऑफर कभी थी वहाँ के पहले, लेकिन ऑब्वियसली नज़र तो थी, पंजाब इतना अच्छा कर रहा था और हमारे टीवी से भी इतने लोग जाकर इतना नाम कमा रहे थे, तो ऑब्वियसली चाहती थी कि करूँ, बस ये नहीं पता था कि वहाँ से कोई अप्रोच करेगा और ऐसी फिल्म के लिए करेगा. और ऑब्वियसली जब आप पंजाब के बारे में सोचते हैं, यहाँ का ह्यूमर इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ पे ह्यूमर यहाँ का फोर्टे है, ह्यूमर टॉप नॉच है पंजाब का. तो मैंने ऑब्वियसली अज्यूम किया था कि कभी अगर करूँगी पंजाब, मैंने कॉमेडी कभी की भी नहीं है, मेरी मम्मा बहुत चाहती हैं कि मैं कॉमेडी करूँ, क्योंकि वो कहती है तू है ही जोकर घर पे, तू वैसे ही करती रहती है. तो शी आई ऑलवेज थॉट कि इट वुड बी अ यू नो कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी एंड रोमांस, रोम कॉम टाइप. ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट आई एम सो ग्लैड, क्योंकि हम जब ये बना रहे थे और जब ने सोचा था लोगों को प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा डर था कि कुछ अलग करें, क्या पता लोगों को पसंद ना आए, बट इतनी एक्सेप्टेंस और इतना प्यार मिला है, वो भी नए लोगों को, हम दोनों नए हैं यहाँ पे और दोनों का डेब्यू है, अमीक ने तो एक फिल्म की है यहाँ पे पहले, बट एज अ हीरो इज डेब्यू. आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि सब ने इतना सारा प्यार दिया. आगे होपफुली और प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, काम करती रहूँगी. मैंने हनीमून और मेडल देखी हुई है, एक तो पहले जब यहाँ आई, और इसके पहले अनफॉर्चुनेटली टाइम कभी मिला ही नहीं. जब इस फिल्म में काम करना शुरू किया तो गाने बहुत सुने मैंने पहले से, बट फिल्म में जब काम करना शुरू किया तो आई वाज लाइक मैं और देखना चाहती हूँ, तो टाइम सिर्फ ये दो फिल्म देखने का मिला मुझे. मोड मुझे देखनी है ऑब्वियसली, बिकॉज अमीक की फिल्म है, और बम्बू काट मैं डेफिनेटली देखना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो अमीक के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म रही है एज अ प्रोड्यूसर. एज एन एक्टर अगे कोई पंजाबी इंडस्ट्री केड़ी फिल्म करना चाहोगे, स्क्रिप्ट में लेके कॉमेडियन करना चाहोगे, जो कोई रोमांटिक फिल्म कोई पंजाबी इंडस्ट्री, कोई भी स्क्रिप्ट जो अच्छी हो, इट डजंट मैटर कि बाकी कौन से जॉनर की है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, मेरा रोल अच्छा है. पर अभी फिलहाल के लिए जो मेरा सबसे ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज जूनियर टू, बिकॉज उसकी हमारे पास स्टोरी काफ़ी हद तक रेडी है. अमीक भी बहुत श्योर हैं कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं पार्ट टू, क्योंकि आई फील लाइक इस फिल्म को देखकर कंप्लीट है, लेकिन इस फिल्म में कई ऐसे सवाल हैं जो आएंगे लोगों को, वो सारे जवाब जूनियर टू में होंगे. अच्छा अमीक पाजन छड़ की केड़े पंजाबी हीरो ने जिन्होंने तुसी फिल्म करना चाहोगे अगे इन फ्यूचर, अमीक वीरे नोट कर लियो. हाँ
मैं तो यही बोलूंगी अभी तक तो मैं ऑनेस्टली अगेन क्योंकि जूनियर 2 बनानी है नहीं सब आज दसना इन फ्यूचर की क्या किसने करना चाहोगे दिलजीत आई कभी ऐसा सोचा नहीं कभी ऐसा सोचा नहीं क्योंकि अगेन यहाँ का मुझे और सिनेमा देखना पड़ेगा पहले डिसाइड करने के लिए कि मैं किसके साथ काम करना चाहूंगी. ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस पंजाब में काम कर रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. बट आई वुड लाइक टू उस आई थिंक एक्टर कौन है उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए स्क्रिप्ट है. तो द स्क्रिप्ट हैज टू बी राइट. अच्छा सीरियल रेगुलरली कर रहे हो तुझे ना तो देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री तो सीरियल इंडस्ट्री बड़ा फर्क है वक्रा की देखने को मिला दोनों अच्छे टीवी में फिल्म तो मैंने पहले भी की हैं एक दो बट टीवी में सबसे ज़्यादा एक ये कि आपको दिन के 13 सीन्स करने पड़ते हैं आपको अगले दिन टेलीकास्ट देना है. तो ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट लिख के आती है आपके पास टाइम नहीं होता. इवन इफ देर आर सम चेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं मेजर चेंजेस हो ही नहीं सकते. क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो जाती है उस चक्कर में क्योंकि टाइम नहीं होता और आपको एक से दूसरे इमोशन में बहुत जल्दी जंप करना पड़ता है. तो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो कि आप और उसको सजा पाओ. वी डू आर बेस्ट उस स्पेस में. और फिल्म में आई थिंक जो फ़र्क ये है कि एक तो आपको जो वक्त मिलता है ना सीन के पहले आप बैठो डिस्कस करो कैसे क्या करना है आपको वो रिहर्सल्स का उतना टाइम मिलता है. यू गेट टू क्रिएटिवली यू नो बी मोर फ्री. वो मुझे आई थिंक आई रियली एंजॉय द पंजाब में. आई एम नॉट सेइंग कि पंजाब यहाँ पे लोग प्रोफेशनल नहीं है. टीम सारी बहुत प्रोफेशनल थी. आई थिंक प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक अपना पंजाब था वहाँ पे लोग बिकॉज टाइम भी नहीं है सब कुछ कट टू कट रहते हैं प्रोफेशनल रहता है. कई बार लोग थोड़ा संभल के भी एक दूसरे मैं भी बहुत संभल के रहती हूँ सेट पे. मैं यहाँ भी आई थी मैं यही सोच के आई थी कि आई गो आई डू माई वर्क आई कम बैक. लेकिन इतना प्यार मिला यहाँ से कि अब पूरी एक फैमिली बन गई है. और जब वापस भी गई थी बीच में जब यहाँ थी नहीं तो बहुत मिस किया मैंने सबको. और इस फिल्म के ये फिल्म तो लेकर ही जाऊँगी यहाँ से भगवान करे आगे भी काम करूँ. पर एक पूरी टोली लेके जा रही हूँ दोस्तों नहीं मिलते रहे हो तुम चंगे बहुत सारी चीज़ें. अच्छा जे देखा जाए ना तो जूनियर फिल्म की मतलब प्रमोशन वगैरह कर रहे हो वक्रे वक्रे शहरों से जा रहे हो ना तो सब तो बात कोई चंगी मूवमेंट केड़ी लगी है तुम्हें इस पंजाब के बच्चों ने क्या जी. एक तो जो हमने ट्रेलर लॉन्च जब किया था मैंने पहली बार यहाँ चंडीगढ़ में मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया जो इतना प्यारा वेलकम मिला. और आई लव द फैक्ट कि इतनी रिफ्रेशिंग चीज़ें थी सबके पास पूछने के लिए क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ हुए और मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब सब ने एक तो आई लव व्हेन पीपल आस्क यू थिंग्स बिकॉज मुझे मैं बहुत सोचती हूँ मैं बहुत चीज़ों के बारे में बहुत सोचती हूँ. आई रीड अ लॉट. मुझे अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी हट के अलग चीज़ें पूछते हैं. रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद द मीडिया हियर. दूसरा जब हम कॉलेजेस विजिट करने गए थे एक तो मुझे याद है क्योंकि मिठी बाई भी बहुत सारी स्टारकास्ट आती है वहाँ हर मूवी प्रमोट करने आते हैं हमारे फेस्ट में सब में. तो मुझे फीलिंग याद थी तब. तो इस बार जब वो रोल रिवर्स हुआ व्हेन आई वेंट टू कॉलेजेस यहाँ पर हमारे लिए हूटिंग हो रही थी जो प्यार वहाँ पर मिला और वहाँ पर जो इंटरेक्शन हुई वो मैंने बहुत इंजॉय की. सृष्टि में खासतौर पर इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे कैट्स भी रखे हुए थे एनिमल लवर. मेरी वो पर्सनल कैट्स नहीं है. जितने भी सेट्स पे सो फिल्म सिटी में जितने भी सेट्स हैं वहाँ बहुत सारे क्योंकि थोड़ा जंगल जैसा है तो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते ही हैं. तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जितने भी मुझे एनिमल्स मिले देखे उनको मैं अपने पास यू नो खाना वाना खिला पाए अपने पास रख पाए. तो हर सेट पे मेरे एक ना एक ऐसे पेट रहा है. और फिल्म सिटी में एक मौसी है मौसी तो वो थोड़ी ओल्ड सी वो ख्याल रखती है मैं सारे पेट्स का. तो उनको अभी भी मैं आई सेंड एनिमल्स मेरे पापा का ये बिजनेस है उनको एनिमल फूड भेजती हूँ. उनसे टच में रहती हूँ कि किसी को अगर कुछ पैसे चाहिए किसी को कुछ लग गई इंजरी हो गई तो आप उनका ख्याल रखो. मेरे फादर एक्चुअली ही इज़ अ वेट वेटनेरियन उनका भी बिजनेस है. तो बचपन से बड़े होते होते मैं डॉग शोज एनिमल शोज पर बहुत ज़्यादा गई और बचपन से बहुत प्यार रहा है एनिमल से. खुद कभी कोई पेट रख नहीं पाया. हम शिफ्ट इतना हुए हैं कि मौका ही नहीं मिला और फिर उसके बिजी इतना हो गई मम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें पाल लिया काफ़ी है मैं एक और जानवर नहीं पाल सकती. आई कांट हैव अनदर पेट एट होम. बट ज़रूर कभी जब मुझे वो वक्त क्योंकि उनको बहुत प्यार और वक्त देना पड़ता है अगर आप उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जब तक मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं होती आई डोंट थिंक. पर हाँ जितने मुझे जो दिख जाए रस्ते में चलते फिरते जाए उनको प्यार ज़रूर करती हूँ. दृष्टि सिनेमा ना हर तरीके का हर एक किस्म का अगे तरक्की कर लगे हम तुसी पंजाबी सिनेमे च काम कर रहे हो असल दे विच तुसी देखती केड़ा सिनेमा साउथ कोरियन इंग्लिश की देखना सब तो बहुत पसंद कर सब कुछ जो भी एक तो आप रिव्यूज तो सुन ही लेते हो जो भी कंटेंट अच्छा आता है.
पर पर्सनली मुझे क्रिस्टोफर नॉलन का काम बहुत पसंद है. ओपेनहाइमर मुझे बहुत पसंद आई. इंटरस्टेलर और इंसेप्शन आर वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. मुझे साईफाई बहुत पसंद है. आई एम अ ह्यूज फैन. मतलब मैं बुक्स भी साईफाई पढ़ती हूँ जनरली. मुझे साईफाई मुझे इतना, जैसे अवतार फिल्म है, अगर आप सोचने बैठो किसी ने वो कॉन्सेप्ट सोचा और उसको इतनी खूबसूरती, मतलब एक वो छोटी सी चीज़ है, वो हर कोई जब वो पहली बार जाता है मेन कैरेक्टर, वो प्लांट को टच करता है उसमें लाइट आती है. इस लेवल पे कुछ सोच लेना और उसे बना के इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करना, मेरे मतलब हमारे नॉर्मल लोगों के सोच के भी बाहर है. और मैं मार्वल की बहुत बड़ी फैन हूँ. आई लव मार्वल. शुक्र करो मैं अवतार देखी थी. चलो देखी मैं सब के हिंदी पर, मैं देखी सी बच गया मैं. मुझे साईफाई बहुत, मुझे लगता है कि जब कोई, मैं वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मुझे लगता है जब कोई ऐसा, और उसके अलावा मैं ना फिल्म्स लाइक थ्री इडियट्स, मुझे थ्री इडियट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स. मुझे अभी ये ओ माय गॉड तो मैंने देखी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ. पहला पार्ट था वो मुझे बहुत पसंद आया था. इसकी भी मैंने सेकेंड पार्ट की बहुत तारीफ सुनी है. मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके देखूंगी. तो या तो, और वरना अदरवाइज अगर अनवाइंड करने के लिए देखना होता है तो रोम कॉम्स. क्या ओके. सो सृष्टि 18 अगस्त रिलीज होने जा रही है जूनियर की. कहना चाहोगी ऑडियंस को, जिन्होंने ट्रेलर टीजर ने अप्रिशिएट किया था, नसीबा गाना तो बहुत ही प्यार मिल रहा है, की कहना चाहोगे तुम पंजाबी दोनों पास कह सकते हो किसी मर्जी बस थोड़े कैमरे. तो बस आप लोगों ने, एक तो मुझे पता नहीं था, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. थैंक यू नसीबा को, आपने इतना सारा प्यार दिया और हमारे ट्रेलर को और टीजर को इतना सारा प्यार दिया, इतना मान दिया हमें. बस जितना प्यार आपने अभी तक दिया है, होपफुली उससे ज़्यादा प्यार आप हमारे फिल्म को देंगे. बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है. आई थिंक एक हर फादर और हर मदर एक इमोशन वाइज इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे. और जितने भी यंगस्टर्स हैं जिन्हें एक्शन बहुत कूल लगता है, यू हैव अ ह्यूज ट्रीट थ्रू दिस फिल्म. तो हर एज ग्रुप जा सकता है देखने. प्लीज़ अपने फैमिलीज के साथ ज़रूर जाइए 18 अगस्त को. सो 18 अगस्त में सिनेमा घर फिल्म जूनियर लगन जा रही जी. तुम भी अपनी फैमिली जरूर जाओ. चलो फिल्म वैश्वे धनबाद.